नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीमार अवस्था में लालू प्रसाद यादव बिहार का उपचुनाव जीतने की मंशा से बिहार आए हुए थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वापस दिल्ली भी लौट गए, जिस पर सियासत काफी तेज है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव चले क्यों गए, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आई है लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, कि उनकी किडनी से संबंधित समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि विदेश जाकर उनका ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये भी बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदा स्थिति स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल क्या है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी के ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही है। परिवार के लोग डॉक्टरों से विमर्श कर रहे हैं कि ट्रांसप्लांट कहां और कब कराना ठीक होगा। बताया जा रहा है कि अभी वह काफी परहेज और दवा के बल पर ठीक है। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार के बाद दिवाली से 1 दिन पहले लालू यादव दिल्ली रवाना हो गए थे। तब सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा था कि हार से परेशान होकर वो दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार मिलने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आरके सिन्हा से लालू ने किडनी संबंधित बीमारी के बारे में विस्तार से बातचीत की थी, उनसे राय भी मांगी थी। सिन्हा भी किडनी की बीमारी से परेशान रहे हैं। लालू के बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। अब किडनी की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, इस कारण से उन्हें काफी कम पानी पर रहना पड़ रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दिन भर में मात्र 1 लीटर पानी जो है लालू प्रसाद यादव को पीने की इजाजत है, यानी कि इससे ज्यादा अगर पिएंगे तो किडनी की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। भोजन को लेकर भी काफी संतुलन बरतना पड़ता है, इसी वजह से उनका दिल्ली छोड़ना रिस्की होता है। अपने जिद पर ही वो उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर नहीं रही तो एकाएक दिवाली से पहले दिल्ली लौट गए। हमने आपको पहले ही बताया था कि लालू प्रसाद यादव की जांच रिपोर्ट सिंगापुर के डॉक्टर को भेजी गई है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा बताया जाता है। सिंगापुर में उनके समधी के संबंधी डॉक्टर हैं। लालू परिवार उनसे लगातार संपर्क में है। बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य लगातार लालू के संपर्क में है। यह जांच रिपोर्ट तय करेगी कि किडनी ट्रांसप्लांट कब किया जाएगा, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि किडनी से संबंधित परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब ट्रांसप्लांट वाली स्थिति पैदा हो गई है। सिंगापुर के डॉक्टर से लगातार बातचीत चल रही है। कभी भी लालू प्रसाद यादव का जो इलाज है वो हो सकता है, यानी कि ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कि लालू प्रसाद यादव के कई मामले हैं जो अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। उन्हें फिलहाल रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन ये कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव देश छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। अब देखना होगा कि अगर इस स्थिति में लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर जाना पड़ता है ट्रांसप्लांट के लिए, तो कोर्ट किस तरह से इजाज़त देती है, कितनी परेशानियाँ होती है। लेकिन बड़ी बात कि लालू प्रसाद यादव की जो स्थिति है वो चिंताजनक हुई है। किडनी को लेकर समस्या है, दिन भर में 1 लीटर पानी पीना है, खाने पीने में भी काफी परहेज करना है, और इसी बीच में उन्होंने बिहार विधानसभा के उपचुनाव की कैंपेनिंग भी की है। और आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार आकर जिस तरह से कैंपेनिंग की, अपने पुराने अंदाज में लोगों से घंटों मुखातिब हुए, बातचीत की, उसके बाद उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ा है और फिर वो दिल्ली चले गए। और अब कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या अपडेट आता है, कैसी खबर आती है। हम तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।